डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी के अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि किसी के हिंदी, किसी का इंग्लिश, बट कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप सबके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में लॉन्ग या शॉर्ट फॉर्म में पूछे ही जाते हैं। लगभग हर साल ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे पहला है मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर क्वालिटीज़, लाइक अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कॉमर्स टीचर के क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, हिंदी अगर आपका ऑप्शनल है तो हिंदी टीचर के क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, अबाउट टेक्स्ट बुक, हिंदी टेक्स्ट बुक की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बायोलॉजिकल साइंस की टेक्स्ट बुक की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक ये क्वेश्चन है जो रिपीटेड फॉर्म में हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में लगभग हर साल पूछा जाता है। और आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका कोरिलेशन क्या है, वो दूसरे सब्जेक्ट से कैसे जुड़ा हुआ है, एक ये वाले क्वेश्चन भी अक्सर हर साल ही रिपीट होते हैं और आप सभी के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड का इंट्रोडक्शन, इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है। इसमें जो स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हम जो भी लर्न करते हैं वो हम खुद पहले करते हैं और फिर उससे सीखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाई डूइंग, इस मेथड का प्रिंसिपल है कि हम पहले कोई चीज़ करेंगे और उससे हम सीखेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो उसमें अगर हमें हार्ट को समझना है तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली हम स्टूडेंट्स को हार्ट के बारे में बता दें, इसकी जगह हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को एक हार्ट बनाने का प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें स्टूडेंट्स हार्ट को समझते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं और फिर अपना एक हार्ट पे प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट जो होगा वो 3D मॉडल हो सकता है हार्ट का, एक चार्ट हो सकता है जिसमें उसने पार्ट ऑफ हार्ट ड्रॉ कर रखा हो। तो इसीलिए प्रोजेक्ट मेथड को हम एफिशिएंट मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उसके बाद उस प्रोजेक्ट से सीखते हैं। इस तरह से वो विजुअल लर्निंग भी करते हैं और टेक्स्ट बुक लर्निंग भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है। तो इसमें हमें प्रोजेक्ट मेथड की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, हम देखते हैं इन्हें। पहला है विलियम किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग, अ प्रोजेक्ट मेथड इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। जे ए स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग, अ प्रोजेक्ट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक एक्ट कैरीड टू कम्प्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। मतलब इन लोगों के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट क्या है, वो अपने एक नेचुरल या सोशल एनवायरमेंटल में होने वाली एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। यानी अगर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मिलकर एक हार्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जब वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो ये एक पर्पसफुल मेथड हो गया कि क्लास के बाकी बच्चे भी उस एक प्रोजेक्ट से हार्ट के बारे में सीख लेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें हमें 7 प्रिंसिपल पढ़ने हैं। नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट पर्पस, मतलब हम कोई प्रोजेक्ट अगर देते हैं तो उसका एक डेफिनेट पर्पस, मतलब एक फिक्स रीज़न होता है कि हम वो प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये एक स्टूडेंट बेस्ड मेथड है तो स्टूडेंट्स को पूरी फ्रीडम होती है कि वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मतलब इसमें अगर वो प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे हैं तो वो एक तरह का यूटिलिटी हो गया उनकी स्किल्स को डेवलप करने का। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टूडेंट्स में बिना टीचर की हेल्प के खुद की रिसर्च करते हैं तो इससे उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, उन्हें एक रियलिटी चेक मिलता है कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, तो इसीलिए इसका एक प्रिंसिपल ये भी है कि प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भी एक प्रोजेक्ट दे सकते हो तो उन्हें अपना जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका भी एक्सपीरियंस मिलता रहता है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड के कुछ एडवांटेज या उनकी मेरिट्स पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग, दिस टू चिल्ड्रेन चूज प्लान एंड एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट देमसेल्फ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उन्हें हमेशा ही कोई टॉपिक दोगे, अगर आप उन्हें बोलते हो कि आप साइंस पर प्रोजेक्ट बनाओ तो वो साइंस के किसी भी टॉपिक से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग हो गया, मतलब उन्हें आप पूरी स्वतंत्रता दे रहे हो कि वो कैसे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं या किस टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। इट टीचेस डिग्निटी ऑफ लेबर
एंड द पीपल डेवलप रिस्पेक्ट एंड टेस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क. क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करना पड़ता है, तो उनके अंदर एक लेबर करने की, काम करने की क्षमता भी डेवलप होती है, साथ में उनके अंदर एक रिस्पेक्ट भी आती है कि हमें कोई भी काम को, चाहे वो जो भी काम हो, उसे रिस्पेक्ट देनी है. फिर थर्ड है, इट अफोर्ड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप कीननेस एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट्स को सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज ही नहीं, उन्हें ऑब्जर्वेशन स्किल्स और सारी स्किल्स पे काम करना पड़ता है. तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मेथड जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देता है ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने की, एक्यूरेसी बढ़ाने की, और स्टूडेंट्स को अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने की. फिर फोर्थ टॉपिक आता है, इट हेल्प टू वाइडन द मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल. क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसका हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव, मतलब उसके चारों तरफ से हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, तो इसीलिए ये उनके जो मेंटल हॉरिजन है उसको वाइडन करने का, उसको बढ़ाने का, मतलब हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करता है. इट सेट अप अ चैलेंज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड स्टिमुलेट कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग. प्रोजेक्ट मेथड क्या करता है, वो क्रिएटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है. तो ये भी हमारे एक प्रोजेक्ट मेथड का मेरिट हो गया, या हम कह सकते हैं कि उसका एक एडवांटेज हो गया. अब उसके हम कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी देखते हैं. इट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ टाइम. तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम उसमें देना पड़ता है. द होल सिलेबस स्पेशली फॉर मोर एडवांस क्लासेस कैन नॉट बी वेल बी इंक्लूडेड इन कलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. तो जो सारे सिलेबस को हम प्रोजेक्ट के फॉर्म में नहीं पढ़ा सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर चैप्टर को ही हम प्रोजेक्ट के फॉर्म में पढ़ा सकते हैं. इट इज़ एक्सपेंसिव इन द सेंस दैट अ वेल बींग इक्विप्ड लाइब्रेरी एंड अ लेबोरेटरी आर रिक्वायर्ड एंड एट द सेम टाइम पीपल हैव टू बियर द एक्सपेंशन ऑन एक्सक्रूशन एंड अदर विजिट्स. मतलब अगर हम इसे लेबोरेटरी में भी करवा रहे हैं या स्टूडेंट्स खुद से भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो एक एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तो ये इसका एक डिमेरिट हो गया. और जो टीचर है उसके पास एक्सेप्शनली गिफ्टेड होना चाहिए, वो नॉलेजेबल होना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट्स को उनके प्रोजेक्ट में हेल्प कर पाएगा, उनकी कमियां और उनकी खूबियों को बता पाएगा. तो हमने अभी पढ़ा प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें हमने देखा कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है. सिंपली हम किसी भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट के फॉर्म में स्टूडेंट्स को समझाते हैं. इसका सीधा सा प्रिंसिपल ये है, लर्निंग बाय डूइंग. उसके बाद हमने इसकी दो डेफिनेशन देखी. डेफिनेशन के बाद हमने इनके कुछ प्रिंसिपल देखे कि स्टूडेंट्स को फ्रीडम होती है, उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें एक रियलिटी चेक मिलता है कि उन्हें कितना आता है कितना नहीं आता है, एक सोशल एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस करते हैं. क्योंकि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जब किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वो सारे मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं. फिर हमने इसके कुछ मेरिट्स देखे कि हमें उससे क्या एडवांटेज मिलती है प्रोजेक्ट मेथड से, और हमने देखे कि हमें प्रोजेक्ट मेथड की क्या डीमेरिट्स हैं. तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट मेथड ख़त्म होता है. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. अब आप इसको समझकर अपनी लैंग्वेज में, अपने पेपर में आराम से लिख सकते हैं. हेडिंग्स आप ऐसे ही रख सकते हैं, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, फोर्थ मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, एंड फिफ्थ हेडिंग हो जाएगी हमारी डीमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड.